दोस्तों, अगर आप भी ढूंढ रहे हैं एक बेटर वॉइस क्वालिटी और बेटर वॉइस कॉन्वर्सेशन के लिए कॉर्डलेस लैंडलाइन फोन, तो बने रहिए इस वीडियो पर। हेलो गाइस, भद्राजी टेक में आपका स्वागत है। आज मेरे पास है मोटरोला का T101 डिजिटल कॉर्डलेस, जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है और ये फॉल करता है 2000 रुपीज़ की रेंज में। तो चलिए बॉक्स पर डालते हैं नज़र। बॉक्स के इस साइड नज़र मारे तो बॉक्स का कंटेंट दिया हुआ है। इसके अंदर एक कॉर्डलेस हैंडसेट है, उसका बेस है, पावर अडेप्टर है, रिचार्जेबल NIMH बैटरी सेल्स हैं दो, और टेलीफोन लाइन कोड, और इसके अलावा यूज़र गाइड दी हुई है, और नीचे की तरफ MRP इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है। दूसरी तरफ ये मेन फीचर है, और बैक साइड में नज़र डालते हैं, बैक साइड में डिटेल्ड फीचर लिखे हुए हैं। तो डिटेल जनरल फीचर में लिखा हुआ है कि 50 नेम एंड नंबर फ़ोन बुक में सेव हो जाते हैं, ब्राइट बैकलिट ब्लू डिस्प्ले है, हैंड्स फ्री है, यानी स्पीकर फोन दे रखा है, माइक्रोफोन म्यूट हो कर सकते हैं आप कॉल पे बात करते वक्त, कॉलर आईडी कॉल वेटिंग दे रखा है, 40 नेम एंड नंबर कॉलर आईडी लिस्ट है, जो कि डिपेंड करता है टेलीफोन कंपनी के सब्सक्रिप्शन पर। बाकी रिंगर मेलोडीज़ हैं, जो 10 रिंगर मेलोडीज़ इसके अंदर दी गई हैं। इंटरकॉम कॉल ट्रांसफ़र बिटवीन हैंडसेट, यानी ऑफिस में अगर आपके 3-4 हैंडसेट्स लगे हुए हैं तो कॉल ट्रांसफ़र का फीचर है इसके अंदर। 10 रिडायल मेमोरी है, टाइम डेट एंड अलार्म फैसिलिटी है, और इसके अलावा रिचार्ज होने के बाद इसके कॉर्डलेस फ़ोन की टॉक टाइम अप टू 10 आवर्स तक जा सकता है, स्टैंड बाई टाइम अप टू 150 आवर्स तक कंपनी क्लेम यहां कर रही है। चलिए बिना किसी देरी के बॉक्स खोलते हैं। तो बॉक्स के अंदर आपको मिलता है सबसे पहले एक कॉर्डलेस फ़ोन, जिसके इस तरह के कुछ बटन्स दे रखे हैं। ये माइक है इसका, नीचे की तरफ ये रिचार्ज करने का स्लॉट है चार्ज करने का, और ये डिस्प्ले है जो कि ब्लू बैकलिट है, ये मोटरोला की ब्रांडिंग, ये इसका ईयर पीस, नीचे लाउड स्पीकर, और यहाँ डलते हैं इसके सेल जो कि NIMH रिचार्जेबल सेल इसके साथ मिलते हैं। और बॉक्स में अगला मिलता है इसका बेस, जिस पे रख के इसको चार्ज कर सकते हैं, और बेस के बैक साइड में एक लाइन कनेक्शन के लिए जाएगा, दूसरा पावर के लिए जाएगा। तो ये है आपका बेस, और इसके अलावा आपको मिलता है पावर अडेप्टर बेस को पावर देने के लिए, और टेलीफोन लाइन कॉर्ड, मैनुअल गाइड जिसके अंदर डिटेल में लिखा हुआ है इसके फंक्शंस और कैसे फंक्शंस यूज़ करने हैं, और सबसे एंड में ये NIMH 2 रिचार्जेबल सेल्स दे रखे हैं। तो चलिए अभी सेल को डालते हैं कॉर्डलेस फ़ोन में। तो कॉर्डलेस फ़ोन में इस सेल को इस तरह से डालेंगे, तो सेल इसमें डाल दिया है। इसके बाद पावर अडेप्टर को लगाएंगे बेस में, तो पावर अडेप्टर ये देखिए, ये पावर अडेप्टर की ये लाइन है और ये टेलीफोन कॉर्ड की लाइन है, तो पावर अडेप्टर को यहाँ पर फिट करेंगे, और इसके बाद टेलीफोन कॉर्ड को यहाँ पर लगाएंगे, और उसके बाद ये लाइन जाएगी आपके टेलीफोन प्रोवाइडर स्विच में सॉकेट में, और ये जाएगा आपका पावर अडेप्टर। तो इसे लगाते हैं पावर में बेस को। तो टेलीफोन कॉर्ड लाइन मैंने लगा दिया है यहाँ, और पावर अडेप्टर प्लग कर दिया है पावर प्लग में, और ये रहा हमारा बेस जिसके ऊपर रखेंगे कॉर्डलेस को। रखते ही चार्ज होने लग गया है। तो देखिए बेस में लगाते ही ये कॉर्डलेस चार्ज होने लगा है। जब आप पहली बार इसको बेस में रखेंगे तो लगभग आपको 16 से 20 घंटे इसे फुल चार्ज करना है, और इसके बाद फुल चार्ज करने में इसे 7-8 घंटे लग सकते हैं बाकी नॉर्मल डेज में। कंपनी क्लेम करती है 10 आवर्स को ये टॉक टाइम देता है कॉर्डलेस एक चार्ज के बाद, बाकी आपके टॉक टाइम वॉल्यूम
पे डिपेंड करता है। स्टैंड बाई टाइप मैक्सिमम 150 आवर्स तक जा सकता है। और इसकी अगर रेंज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के लगभग मैक्सिमम आउटडोर ग्राउंड में 300 मीटर तक जा सकता है, और नॉर्मल 50 मीटर तक ऑब्स्ट्रक्शन के साथ ये प्रॉपर काम कर सकता है। और आपको एक और बात बता दूं कि शुरू में ये आपको टॉक टाइम कम देगा, धीरे धीरे जब ये चार्ज होता जाएगा अपनी नॉर्मल कैपेसिटी में आ जाएगा। तो ये इसके नंबर है, ये लाउड स्पीकर है, ये बैक बटन है, ये मेन्यू और ओके बटन है, ये ऊपर, ये नीचे, ये कॉल करने और कॉल कट करने का बटन है, फ़ोन बुक का बटन है। तो मेन्यू में जाकर देखते हैं तो फ़ोन बुक, रजिस्टर, डेट टाइम, हैंडसेट, सेटअप और ये सब ऑप्शन दे रखे हैं। एक बार इसके मेन्यूज़ में नज़र मार लेते हैं। मेन्यू में जाकर जो आपको दिखाया था फ़ोन बुक, रजिस्टर, ये हैंडसेट आप रजिस्टर कर सकते हैं, डेट एंड टाइम, हैंडसेट, हैंडसेट में जाएंगे तो आपको बीप, रिंग वॉल्यूम में जाके देखते हैं तो इसकी वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। बैक करेंगे तो ये मेलोडीज़ हैं, आप इसकी रिंगटोन चेंज कर सकते हैं, 10 टाइप की रिंगटोन्स दे रखी हैं इसके अंदर। तो ये थी इसकी 10 मेलोडीज़ और ये और फीचर्स दे रखे हैं हैंडसेट के अंदर, बीप वॉल्यूम, की लॉक, नेम, ऑटो आंसर, एग्जिट मेलोडी। और बैक करते हैं तो डेट टाइम, रजिस्टर, फ़ोन बुक, सेटअप में जाएंगे तो आपको हैंडसेट जो रजिस्टर किया है वो डिलीट कर सकते हैं और नया हैंडसेट रजिस्टर कर सकते हैं। पिन कोड, डायल मोड, तब ये सारी फ्लैश और ये सारी सेटिंग दे रखी है फ़ोन और बेस के साथ करने वाली। तो ये आपके सामने है मोटरोला का कॉर्डलेस फ़ोन। बाकी अगर इसकी रेंज की बात करें तो ये डिपेंड करता है ऑब्स्ट्रक्शन कितनी है इसकी, उस रेंज के हिसाब से। तो बाकी होम के अंदर ये प्रॉपरली आपका चल जाएगा। और हैंडसेट पहले इंप्रेशन में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये था आपके सामने इसका क्विक रिव्यू और अनबॉक्सिंग।